इन द नीम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बनीफिस द मोस्ट मर्सीफुल आई एम प्रोफेसर अमीर अल्लाह के फजल से ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे आज मैं आपको कन्जेंशनस का यूज पार्ट वन का भी जूस पढ़ाने जा रहा हूँ कन्जेंशन क्या हैं डेफिनीन को देखें कन्जेंशनस आर द लिंकिंग वर्ड्स कन्जेंशन लिंकिंग वर्ड्स होते हैं दैट जॉइन वर्ड्स फ्रेजेज कलॉज आर सेंटेंस टुगेदर जो अलफाज को फ्रेज़ को कलाजिज़ या सेंटेंस को आपस में मिलते हैं नंबर टू पे हम पढ़ेंगे सबार्डिनेटिंग कन्जेंशंस नंबर वन कोऑर्डिनेटिंग कंजेंशन में प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अपलोड कर चुका हूँ तो सबार्डिनेटिंग कंजेंशन का फंक्शन क्या है सबार्डिनेटिंग कंजंक्शंस माइनर क्लाजेस को मेन क्लाजस के साथ कनेक्ट करते हैं यानी लिंक करते हैं और ऐसे सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बन जाते हैं डिटेल में हम यूजेज पढ़ेंगे ए जूज़ है टू शो एजिशन और अ मेयर सेंस ऑफ इंट्रोडक्शन यानी ये, ये कन्जेंशन इस्तेमाल होते हैं अपोजिशन दिखाने के लिए रिलेशन दिखाने के लिए या फ़क़त इंट्रोडक्शन के लिए जब कोई आगे इंफॉर्मेशन दी जाती है उससे पहले ये कंजेंशन इस्तेमाल होते हैं उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए तो एग्ज़ैम्पल्स को देखें ये सारे इनडायरेक्ट नरेशन के एग्ज़ैम्पल्स हैं He told me that the train had arrived. उसने मुझे बताया कि ट्रेन पहुंच चुकी थी। यहाँ पे that जो है वो subordinating conjunction है। Next है, she informed that she was stuck in a traffic jam. उसने इतलादी कि वो traffic jam में फंस चुकी थी। यहाँ पे भी that connection. Next है, he made a commitment that he would arrive. उसने ये वादा किया कि वो पहुँचेगा। यहाँ पे भी that. नेक्स्ट है इट इज सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी ये कहा जाता है कि ईमानदारी अच्छी हमत अमली है यहाँ पे भी दैट बी जूज है टू शो कॉज और रीज़न यानी वजह या सब बताने के लिए ही विल सक्सीड बिकॉज ही हैज़ वर्कड हार्ड वो कामयाब होगा क्योंकि उसने मेहनत की थी मेहनत की है यहाँ पे बिकॉज जो कंजेंशन है वो सबऑर्डनेटिंग कंजेंशन है नेक्स्ट है आई बिलीव इट सिंस यू से सो मैं इस पर यकीन करता हूँ जबकि आप ऐसा कहते हो तो यहाँ पे सेंस जो है वो सबॉर्डनेटिंग कन्जक्शन है नेक्स्ट है लेट लीव नाउ एज इट इज गेटिंग डार्क यहाँ पे एज जो कन्जेंशन है वो सबॉर्डनेटिंग कन्जेंशन है आओ अब हम चलें जैसा कि अभी अंधेरा हो रहा है उसके बाद सी जूज है टू शो इफेक्ट यानी असर दिखाने के लिए या नतीजा दिखाने के लिए एग्जाम्पल्स हैं ही सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट गेट आउट ऑफ इज बैड यहाँ पे दैट कनेक्शन जो है सबरनेटिंग कनेक्शन वो इतना थका हुआ था कि वो अपने बिस्तर से बाहर नहीं निकल सका नेक्स्ट है ही व सो फुलश डैट पीपल लाफ्ट एट हिम यानी वो इतना अहमक था कि लोग उस पर हंसते थे तो यहाँ पे भी दैट कनेक्शन नेक्स्ट है द वेदर व सो सच दैट वी कुड नाट गो एनी वेयर मौसम ऐसा था कि हम कहीं नहीं जा सके यहाँ पे दैट कंजंक्शन नेक्स्ट है ही वॉज बिजी टू सच एन एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट अटेंड द पार्टी यहाँ पे दैट कंजंक्शन वो इतना मसरूफ़ था कि वो पार्टी में शिरकत नहीं कर सका डी जूज़ है टू शो पर्पज़ यानी मकसद दिखाने के लिए वी ईट दैट वी मे लिव अलाइव हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रहें तो यहाँ पे भी दैट जो है वो कंजंक्शन है सबार्डिनेटिंग नेक्स्ट है ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे सक्सीड वो मेहनत करता है ताकि वो कामयाब हो यहां पे सो दैट कंजंक्शन है सबार्डनेटिंग नेक्स्ट है फॉलो द मैप लेस्ट यू शुड लूज द वे लेस्ट वरना यानी नक्शे को फॉलो करो वरना रास्ता खो दोगे तो यहाँ पे लेस्ट जो है वो कंजंक्शन है सबार्डनेटिंग नेक्स्ट है शी अप अर्लियर इन ऑर्डर दैट शी माइट रीच इन टाइम और ऑन टाइम वो जल्दी से उठी ताकि वो टाइम पर पहुँचे वक्त पर पहुँचे इन ऑर्डर दैट ये तीनों अल्फाज सबारेटिंग कंजंक्शन का काम कर रहे हैं सबारनेटिंग कंजंक्शन कहलाएंगे नेक्स्ट है टू शो कंडीशन यानी शर्त दिखाने के लिए आई विल वेक वेक यू अप अपर वेक वेक यू अप इफ़ आई अपट अ पारियर यहाँ पे इफ जो कंजंक्शन है वो सब आर्डिनेटिंग कंजंक्शन मैं आपको जगा दूँगा अगर मैं जल्दी उठा तो आई विल वेक यू अप इफ़ आई अपेट अ पारियर नेक्स्ट है आई विल सपोर्ट यू प्रोवाइडेड दैट यू आर राइट मैं आपकी मदद करूँगा बशर्ते कि आप सही हों शर्त यह है कि आप सही हों तो यहाँ पे प्रोवाइडेड दैट सबारेटिंग कनेक्शन है नेक्स्ट है ही वोट गेट सच अ जॉब अनलेस ही पास इज़ द टेस्ट यहाँ अनलेस वो ऐसी जॉब हासिल नहीं कर सकता नहीं कर, आ, करेगा जब तक के वो टेस्ट पास नहीं करता या नहीं करेगा तो यहाँ है वो सबारेटिंग कनेक्शन है नेक्स्ट है यू हैव टू लिव हीयर वेदर यू लाइक दिस प्लेस और नॉट आपको यहाँ पर रहना होगा आप जगह को पसंद करें इसको या नहीं तो यहाँ पर वेदर और, और ये कंडीशन है नेक्स्ट हैं टू शो कंसेशन और कंट्रास्ट यानी कन्सेशन दिखाने के लिए रियायत दिखाने के लिए या, या कंट्रास्ट दिखाने के लिए यानी उसमें फ़र्क जो बिल्कुल मुख्तलफ हो तो ही इज़ ऑनेस्ट बट ऑनेस्ट पर्सन दो ही इज़ पुअर यहाँ पे दो जो कंजंक्शन है वो सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है नेक्स्ट है दे वॉन्ट बी कंटेंटेड हाउ ऐवर रिच दे मे बिकम वो कितने भी यानी वो मुतमिन नहीं होंगे जितने भी अमीर हो जाएं, या वो कितने भी अमीर हो जाएं, वो मुतम नहीं होंगे हाउ कंजंक्शन है नेक्स्ट है ही विल नेवर गेट अ चांस हाओ एवर मच ही मे ट्राई यानी वो उसको चांस नहीं मिलेगा जितना भी वो कोशिश कर ले तो यहाँ पे हाओ एवर नेक्स्ट है ही डिन नॉट गेट एनी प्रॉफिट नॉट विदस्टैंडिंग दैट ही इन्वेस्टेड अ लॉट यानी उसने फायदा फाद, उसको फ़ायदा नहीं मिला फ़ायदा उसने हासिल नहीं किया ताहम, उसने बहुत सारी रकम लगाई थी या बहुत सारी रकम लगाने के बावजूद उसको फ़ायदा नहीं हुआ तो नाट विद स्टैंडिंग यहाँ पर कंजेंशन है नेक्स्ट है अजी जज़ है टू कम्पेयर डिफरेंट थिंग्स एंड क्वालिटीज़ यानी मुख्तफ़ चीज़ों को और क्वालिटीज़ को आपस में कम्पेयर करने के लिए मुजन करने के लिए ये कंजेंशन इस्तेमाल होते हैं एग्जाम्पल्स को देखें दिस बिल्डिंग इस टॉलर दैन डेट ये इमारत उस इमारत से ज़्यादा लंबी है यहाँ पे दैन कनेक्शन हुआ ही इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन इज फ्रेंड वो अपने दोस्त से ज़्यादा होशियार है यहाँ पे भी दैन नेक्स्ट है प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर यानी परहेज इलाज से बेहतर है देन नेक्स्ट है इट इज़ बेटर टू रूल इन हेल दैन टू सर्व इन हेवन यानी जानों में हुक्मरानी करना जन्नत में ग़ुलामी करने से बेहतर है तो यहाँ पे भी दैन नेक्स्ट है एच टू शो एक्सटेंट और मैनर यानी हद दिखाना किस हद तक या तरीक़े का किस तरीके से आ, कोई काम हुआ या कोई कहा जाता है कुछ तो एज यू सो सो यू रीप जैसा बोगे वैसा काटोगे तो यहाँ पे सो so कंजंक्शन है नेक्स्ट है ही कैन गो एज़ फार एज़ यू वांट वो उस हद तक जा सकता है जितना आप चाहते हैं तो यहाँ पे एज़ फार एज़ कंजंक्शन है नेक्स्ट है दिस इज़ नॉट ट्रू सो फार एज़ आई नो इट सो फार एज़ ये सच नहीं है जहाँ तक मुझे पता है सो फार एज इज़ द कंजक्शन नेक्स्ट है ही विल फेल अगेन सो ही इज़ वो फिर से नाकाम होगा इतना अहमक है वो यहाँ पे सो इज़ द कंजंक्शन Next, hai, he bought the books according as they were necessary. kharidi apni ke mutabik Jitni zaruri thi, zaruri thi, Utni to according as is the conjunction. I think this video is useful to you. If you find this useful, like this video, subscribe my channel and do comment in the comment section to let me know about this and press the bell icon for more videos like this. Thank you for watching see you in the next video allah